हेलो एवरीवन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वेलकम टू ऑलिव बोर्ड एंड टू द सेशन वेयर वी विल बी कवरिंग द इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़ ऑफ द वीक सो दिस विल बी ए रिविजन सेशन जहां पर आपने जो लास्ट वन वीक में पीआईबी न्यूज़ एनालिसिस किया है तो दैट इज़ टेकन डेली बाई दिन सर एट नाइन ए इन द मॉर्निंग तो उस लास्ट वन वीक में जो भी किया है उसके रिविजन करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज शेयर दिस सेशन विद विदर फ्रेंड्स ऑल्सो मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द सेशन, एंड जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए वेरी गुड इवनिंग प्लीज मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस सेशन कैंड कंफर्म इन द चैट सेक्शन इफ आई एम ऑडिबल इफ आई एम ऑडिबल प्लीज कंफर्म इन द चार्ट सेक्शन वंस जिन्होंने भी ज्वाइन करना है वेट कर लेते हैं फॉर टू टू थ्री मिनट ओ दट देखे इन ज्वाइन और फिर सेशन को शुरू करेंगे एम आई ऑडिबल गुड इवनिंग राजेश तो स्टार्ट करें सेशन को थैंक यू फॉर कंफर्मिंग सबने सेशन में अपनी अटेंडेंस मार्क कर हैव यू गाइस मार्क दियर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द सेशन जो जिन्होंने भी अभी अभी ज्वाइन किया है सबसे पहले जाइए अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क करिए मेक श्योर दैट यू मार्क योर अटेंडेंस साइंस रिशा हेलो सेशन को लाइक like कर दो जल्दी से जिन्होंने कर दिया है चलो फिर उसके बाद शुरू करते हैं आज का सेशन ये रहा पहला सवाल आपके स्क्रीन्स पर क्वेश्चन पढ़ो ट्राई टू सॉल्व इट आंसर दो इन द कमेंट सेक्शन लवलीना बॉर्गोइन वन गोल्ड मेडल एट द बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप इन सिक्सटी नाइन के जी कैटेगरी सेवेंटी फाइव के जी एट्टी के जी एट्टी फाइव के जी निश गिंग आंसर एट सेवेंटी फाइव के जी ऑप्शन बी अभिज्ञान ऑप्शन बी माफ कर रहे हैं नदीम नीलेष एवरी ओके समबड़ी इज देयर विद The title TDD option B everybody 75 kg okay let's check the answer 75 kg is absolutely right सवाल ना ऐसे भी बन सकता है लवलीना बोरगोइन is associated with which sports तो वो भी याद में रख लेना that is boxing ठीक है किसी भी तरीके से क्वेश्चन बने तो उसको सॉल्व करना आना चाहिए LMB three is the largest rocket of which country स प्लीज सेकेंड का आंसर नीलेश इज मार्किंग डी दैट इज इंडिया तो इंडिया इज एब्सोल्यूटली राइट और ये अभी न्यूज में क्यों है क्योंकि द सेकेंड कमर्शियल लॉन्च बाय इसरो थ्रू दिस हैवियस्ट लॉन्च व्हीकल एल एव एल वी एम थ्री लॉन्च व्हीकल मार्क थ्री विल लॉन्च और ये लॉन्च हुआ बेसिकली अ फ्लीट ऑफ वन थर्टी सिक्स वन वेब सैटेलाइट वर लॉन्च राइट तो यहाँ पर दो फेज uh, में ये कैरी किया गया वन वेब एक यूके बेस्ड कंपनी है uh, जिनका जिन्होंने एग्रीमेंट किया था विद द कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो दैट इज एन सबको पता ही होगा दो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ टू लॉन्च 72 सैटेलाइट्स तो जो इसको दो फेजेस में कैरी किया गया कम्प्लीट uh, किया गया दिस वाज दी सेकंड लॉन्च जो अभी रिसेंटली हुआ एंड द व्हीकल लॉन्च व्हीकल दैट वाज यूज वो है एल वी थ्री लॉन्च व्हीकल तो इंडिया ऑप्शन डी बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का सही आंसर एंड दिस लॉन्च वॉज फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा ठीक है करेक्ट राजेश वेरी गुड अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट दैटर हाउ मेनी स्टेटली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो है जहां ए फॉरेस्ट्रेशन होगी तो इट विल कवर हाउ मैनी स्टेट्स दी ओल्ड वोल्ड माउंटेन्स राजस्थान से डेली पानीपत तक ये अरावली रेंज सबको पता ही होगा जोग्राफी बेस्ड क्वेश्चन लेकिन न्यूज में रहा अभी क्योंकि दिस ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट विल कवर आई एम गेटिंग आंसर निलेश एंड राजेश आर सेइंग ऑप्शन बी फोर स्टेट्स ओके तो फोर स्टेट्स के नाम बता सकता है कोई अभिज्ञान ऑप्शन बी वेरी गुड ओके निलेश इज गिविंग द आंसर एज राजस्थान गुजरात दिल्ली और हरियाणा चार स्टेट्स नदीम इज गोइंग विद ऑप्शन बी साई ऑप्शन फोर ऑप्शन फोर प्लीज मेंशन ए बी सी डी राइट right, तो वो ना एक सिंक में रहते हैं आंसर तो ऑप्शन ए बी सी डी मेंशन किया करो रेदर देन गिविंग लाइक कि उस ऑप्शन में क्या है एमपी नहीं है राजेश इट्स राजस्थान गुजरात हरियाणा एंड दिल्ली तो ये चार स्टेट्स हैं जो इस प्रोजेक्ट के अंदर आती हैं दिस प्रोजेक्ट विल कवर दीज फोर स्टेट्स वेरी गुड नदीम चलो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर फोर्थ का ऑप्शन सी नाइनटीन एब्सोल्युटली फोर करेक्ट ये एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है लिंकिंग एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट टू लैंड मैनेजमेंट इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन नाइनटीन फोर राइट बेसिकली सपोर्टिंग द कंट्रीज टू प्रिपेयर फॉर ड्रॉट्स तो ऑप्शन सी निलेश वेरी गुड नाइनटीन नाइन्टी फोर इज एप्सोल्यूटली द राइट आंसर ओके नेक्स्ट इज विद रिस्पेक्ट टू स्पीशीज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज द स्टेट बर्ड ऑफ विच इंडियन स्टेट नदीम फोर्थ का ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली राइट मेंशन द नेक्स्ट आंसर फिफ्थ डी राजस्थान बिल्कुल सही है देखो जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ना इट इज द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान एंड अगर uh, मैं इसके आई स्टेटस की बात करूं तो चलो वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप बता देना बट इसकी जो पॉपुलेशन है ऑफ अबाउट 150 इन राजस्थान इट अकाउंट्स फॉर 95 परसेंट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन तो आंसर बिल्कुल सही है राजस्थान एवरीबडी राजस्थान ऑप्शन डी अभिज्ञान नदीम राजेश राजेश्सोल्यूटली राइट अच्छा तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से रिलेटेड अब ये चार स्टेटमेंट्स हैं ये चार स्टेटमेंट्स हैं आपके पास ट्राई टू आंसर इट इन द दैट सेक्शन सिक्स का सी एज ऑल ऑफ द अबव ओके एनीबडी एल्स यू टू ट्राई ए बी सी डी क्वेश्चन पढ़ देते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से रिलेटेड है इट इज कंसिडर्ड एज द द्लैगशिप ग्रासलैंड रिप्रेजेंटिंग दी हेल्थ ऑफ ग्रासलैंड इकोलॉजी फ्लाइंग बर्ड है होम टू राजस्थान इज द होम टू ग्रेटर नंबर ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये तो अभी हमने देख भी लिया क्रिटिकली एंडेंजर्ड है अकॉर्डिंग टू आई यूसी और पूछा है इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है सो so यहां पर मुझे तीन चार आंसर मिले हैं वेर एवरीबडी इज ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन सी बिल्कुल सही है ऑल ऑफ द अबव इज अ राइट आंसर Uh, जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं ऊपर विद रिस्पेक्ट टू ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये करेक्ट है आयु स्टेटस याद में रख लेना क्रिटिकली एंडेंजर्ड ठीक है चलो अगला क्वेश्चन लो दैट इज रिगार्डिंग द रामसर कन्वेंशन रामसर कन्वेंशन इट इज रिलेटेड टू ए इट इज़ रिलेटेड टू वेटलैंड्स बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल सही है इट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रिटी फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड एंड इट इज़ नेम्ड आफ्टर अ सिटी ऑफ रामसर इन ईरान कन्वेंशन कब साइन हुई थी सेकेंड ऑफ फेबर नाइनटीन सेवेंटी वन में अच्छा कोई मुझे बता सकता है वैन इज़ वर्ल्ड वेटलैंड डे ऑब्जर्व वेन इज वर्ल्ड वेटलैंड डे ऑब्जर्व When is World Wetlands Day observed? Second of February. Very good, नीलेश और यहाँ पर रामसर साइट बेसिकली क्या है at The time of joining the convention, each contracting party undertakes to designate टू डेजिगनेट मतलब एटलीस्ट वन वेटलैंड साइट फॉर इंक्लूजन इन दिस लिस्ट लिस्ट ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस ताकि यू कैन टेक इंश्योर नेसेसरी स्टेप्स टू मैंटेन देअ एकोलॉजिकल करेक्टर फिर क्या है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है एक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है एक रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट्स जो जहां पर यू विल सी चेंजेस हो रहे हैं इन इकोलॉजिकल करेक्टर बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड वी हैव टू मेक श्योर कि आप उसको कंजर्व करो ऐसा नहीं हो आप बता सकते हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में कोई इंडिया की साइट दैट इज देयर इन द मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड नैन इंडियन साइट दैट इज देयर इन द मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड हितांशु निलेश, अभिज्ञान राजेश नदीम जिसे नहीं पता तो चलो ठीक है वो ऐसा करना ये आज का होमवर्क लो कमेंट सेक्शन के अंदर फिर बताना एनी साइट दैट इज देयर इन द मॉन्ट्रियल एक्स रिकॉर्ड इंडियन साइट ठीक है चलो अगला क्वेश्चन है फर्स्ट जी ट्वेंटी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग इज गोइंग टू बी हेल्ड इन दिस मीटिंग इज गोइंग टू बी हेल्ड इन न्यू डेली मुंबई चेन्नई और विशाखापट्टनम बी मुंबई ऑप्शन बी ओके एनीबडी एल्स यू वॉन्ट टू ट्राई राजेश अभिज्ञान बी मुंबई मुंबई इज एप्सोल्यूटली करेक्ट फर्स्ट जी ट्वेंटी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग इज गोइंग टू बी हेल्ड इन मुंबई और ये ना पता होना चाहिए क्योंकि अभी जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं कहाँ कहाँ पर हैं एटलीस्ट इतना जान लो क्योंकि जी ट्वेंटी की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास अभी है तो काफी मीटिंग्स हुई हैं और सवाल बन सकते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कितने यूएस बिलियन डॉलर फाइव हंड्रेड सेवन फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टीन हंड्रेड बिलियन यूएस डॉलर्स नाइन्थ का बी सेवन फिफ्टी बिलियन डॉलर्स इंडिया का ओवरऑल एक्सपोर्ट इट क्रॉस एन ऑल टाइम हाई ऑफ सेवन फिफ्टी बिलियन डॉलर इज एब्सोल्यूटली करेक्ट ऑप्शन बी वेरी गुड जिसने भी बी मेंशन किया है नदीम अभिज्ञान मेडिटेशन करनी चाहिए हमें वट इज़ द फॉर्म ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन एसओचेम what is the full form of this organization option d associated chambers of commerce and industry d is absolutely correct acha recently uh, who has become the new president of the associated chambers of commerce and industry of india ajay singh very good nadim okay but recently रीजेंटली बाकी सब क्या लगता है गाइस डू मेंशन योर आंसर इन द चैट सेक्शन टेक दिस नेक्स्ट क्वेश्चन लाइफ स्टॉक सेंसस इज कंडक्टेड एवरी फाइव इयर्स टेन इयर्स फोर इयर्स और इलेवन इयर्स लाइफ स्टॉक सेंसिस इज कंडेड एवरी फाइव ईयर्स टेन ईयर्स फोर ईयर्स इलेवन ईयर ऑप्शन ए फाइव ईयर्स एब्सोल्यूटली करेक्ट फाइव ईयर्स इज द करेक्ट आंसर अच्छा मेक श्योर कि आपने अटेंडेंस मार्क कर दी है सबने ने एवरीबडी प्लीज ऑल्सो मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस सेशन जिन्होंने भी अभी ज्वाइन किया है सेशन को इलेवेंथ का ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है अच्छा विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना बी टू प्रमोट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड फॉर स्टार्टअप लोकल बिजनेस ये ऑब्जेक्टिव नहीं है बिल्कुल सही है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का इनिशिएटिव जिसका ऑब्जेक्टिव है टू ट्रेन यू रूरल यूथ टारगेट करता है 15 टू 35 इयर्स ईयर्स ऑफ एज ग्रुप एंड प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट थ्रू स्किल ट्रेनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स राइट और अभी न्यूज़ में क्यों है क्योंकि एक इनिशिएटिव अभी लॉन्च किया गया है अंडर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम कैन यू मेंशन द नेम ऑफ द इनिशिएटिव Can you mention the name of the initiative? Livestock like cows, pigs, sheep, farm animals, you can say. बताओ इसका आंसर कौन सा इनिशिएटिव है दैट वाज़ रिसेंटली लॉन्च अंडर दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना एनी आइडिया एनी वन कैप्टिव एम्प्लॉय हां करेक्ट करेक्ट कैप्टिव समथिंग नदीम जी बिल्कुल सही सोच रहे हो कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट कैप्टिव एम्प्ले ये समथिंग अच्छा था वैसे कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव जो है इट इज़ लॉन्च सवाल बन सकता है कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव इज लॉन्च अंडर विच ऑफ दी फॉलोइंग स्कीम्स राइट तो नेम ऑफ द स्कीम याद में रखना दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना ये एक इनिशियेटिव है दैट वॉन्ट्स दैट इज़ हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द रूरल यूथ राइट right. तो ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है इस स्कीम के अंडर जिसके जो इंश्योर करता है जिस मॉडल पे चलता है दैट इज आर टी डी रिक्रूट ट्रेन एंड डिप्लॉय राइट सो बेसिकली यहाँ पर बात करी जाती है कि कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट गिव्स अ मिनिमम सैलरी ऑफ टेन थाउजेंड फॉर लेस देन सिक्स मंथ कोर्स राइट तो यहाँ पर इट प्रोवाइड्स टू मिनिमम ऑफ लाइक सेवेंटी परसेंट ऑफ द ट्रेन कैंडिडेट्स फॉर सिक्स मंथ्स एम्प्लॉयमेंट तो ये सब जो है ये कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है और ये इनिशिएटिव अभी अभी इसी योजना के अंदर लाया गया है ठीक है चलो जी सैट सेवन बी इज अ डेडिकेटेड सेटेलाइट फॉर डी इंडियन आर्मी नीलेश नदीम थर्टींथ का बी ओके okay, एक बी भी आंसर है एक डी आंसर है सो नदीम यहाँ पर इंडियन आर्मी इज द राइट आंसर लेट मी टेल यू देखो जी सेट सेवन की सीरीज है एक सेवन सेवन ए और सेवन बी अभी जो न्यूज में है दैट इज जी सेट सेवन बी जो एक डेडिकेटेड सेटेलाइट होगी फॉर द इंडियन आर्मी सेवन और सेवन ए ये बेसिकली uh, जो सैटेलाइट्स हैं दे आर द डेडिकेटेड सैटेलाइट्स फॉर दिल आर मिलिट्री सैटेलाइट सेवन जो है दैट इज फॉर इंडियन नेवी सेवन ए जो है दैट इज फॉर एयर फोर्स राइट सेवन जी सेट सेवन का नाम है रुक्मिनी एंड जी सेट सेवन ए का एंग्री बोर्ड तो ये uh, नेवी और एयरफोर्स के लिए हैं रिस्पेक्टिवली अब जी सेट सेवन भी लाया जाएगी दैट विल बी फॉर इंडियन आर्मी ठीक है चलो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीका एफ इंडेक्स ये एक एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीका एंड विथ सिटी बेसिकली आपको यही बताना है कि ऑन ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ मार्च इंडिया एंड ट्वेंटी थ्री अफ्रीकन नेशंस बिगिन दिस मिलिट्री एक्सरसाइज इन विच सिटी त्रिुनाथपुरम विशाखापट्टनम पुणे कोची सी ओके एवरीबडी इज गोइंग विथ सी एज द आंसर पुणे लेट्स चेक सी बिल्कुल सही है पुणे इज दी राइट आंसर एब्सोल्यूटली करेक्ट न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम से जुड़ा ये सवाल जवाब देंगे आप सब रिसेंटली न्यूज में रहा यह प्रोग्राम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम इट एम्स टू कवर ऑल दी एस्पेक्ट्स ऑफ अडल्ट एडुकेशन टू अलाइन विद दी नेशनल एडुकेशन पॉलिसी ट्वेंटी ट्वेंटी एंड बजट अनाउंसमेंट्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू इट इज फॉर द पीरियड ऑफ ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी थर्टी सेवन ट्वेंटी ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी थर्टी सेवन फिफ्टींथ का सेवनटींथ ए इज एप्सोल्यूटली करेक्ट सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो इसका सही आंसर आप बताओगे इस क्वेश्चन में ड्यूरेशन क्या है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की प्रोग्राम program that फाइव करोड़ नॉन लिटरेट्स literates फिफ्टीन प्लस plus 2022 टू ट्वेंटी ट्वेंटी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है इसका टोटल आउटले भी याद में रख लेना 1037.90 करोड़ स्कीम का आउटले है ये कवर करती है फाइव करोड़ नॉन लिटरेट्स को एज ग्रुप फिफ्टीन इयर्स एंड अबव ठीक है पीरियड 2022 टू 27 ये सारी बातें याद में रखनी है अच्छा ये तो फिर आपको बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए दिस प्रोग्राम एम्स टू कवर अ टारगेट ऑफ कितने करोड़ नॉन लिटरेट्स इन द एज ग्रुप ऑफ 15 इयर्स एंड अबव ट्वेंटी क्वेश्चन डी फाइव करोड़ सेवन हंड्रेड करोड़ का सेंट्रल का शेयर है बिल्कुल सही है स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये एक डी इज एप्सोलूटली राइट फाइव करोड़ एप्सोल्यूटली करेक्ट तो यहां पर गाइज ऑल यू नीड टू डू इज ये रिविजन सेशन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैंने वो आपके साथ शेयर किए हैं मेक श्योर sure आप डेली मंडे टू सैटरडे जो सुबह नौ बजे क्लास होती है ऑफ पी आई बी न्यूज एनालिसिस वो जरूर अटेंड किया कीजिए दैट विल रियली हेल्प यू और आर बी आई का एग्जाम आप बिल्कुल मतलब अप्रैल दैट्स थर्ड ऑफ अप्रैल मई में कभी भी हो सकता है तो मेक श्योर sure कि आप अपडेटेड रहें और रिविजन स्ट्रैटेजी को अपने बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रखें राइट और ऐसे सेशन को अगर आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो ताकि और भी जब ऐसे सेशन हों तो आप अपडेटेड रहें विद नोटिफिकेशन इसी के साथ आए आर जू करकर साइनिंग ऑफ ऑल द बेस्ट एवरी वन टेक केयर थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम Good luck, good wishes.